हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 4 की, क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण से हम क्या समझते हैं और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारक तत्व क्या क्या हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में इन शॉर्ट में चर्चा करेंगे और इसका क्या परिणाम निकलता है वो देखते हैं। अब अंतर्देशीय उत्पादन, अंतर्देशीय यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी जिनको MNC मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, वो क्या क्या उत्पादन करती हैं और वह उत्पादन पूरे विश्व में सप्लाई होता है। बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे हमारे यहाँ गुड़गांव में काफी सारी MNC कंपनी है, वो एक जगह उत्पादन करती हैं और उसको पूरे विश्व में या पूरे देश में सप्लाई करती हैं। इसी तरह अंतर्देशीय उत्पादन होता है। अब इस चित्र में हम देखेंगे विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, यानी कि जो उत्पादन एक कंट्री कर रही है उस उत्पादन को पूरे विश्व में फैलाना। एक प्रोडक्ट अगर भारत में बन रहा है वो भारत का प्रोडक्ट पूरे विश्व में फैले, या अमेरिका का कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट जो है वो पूरे विश्व में फैले, यही विश्व भर में उत्पादन एक दूसरे से जोड़ना होता है और यही ग्लोबलाइजेशन भी करता है, एक देश को दूसरे से जोड़ना। अब अगले चित्र में हम देखेंगे कि जीन्स जो कि बेसिकली ये भारत का वस्त्र नहीं है, ये हमारे पाश्चात्य सभ्यता का वस्त्र है और ये अलग अलग देशों में उत्पादन होता है। अब भारत में भी इसका प्रचलन बहुत हो गया है और लगभग लोग जीन्स पैंट ही पहनते हैं। अमेरिका में इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपए में बेची जा रही है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग कीमतों पर है। जीन्स की बात अगर इसमें एक उदाहरण के रूप में करें, अगले चित्र में हम देखेंगे कि एक फुटबॉल कंपनी ने एक ठेका दे रखा है संगठन को लुधियाना में। इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है विश्व के कई देशों में स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करके। मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड अलग अलग छोटे गाँव में भी बन रहे हैं। अब अगले इस चित्र में देखेंगे कि गिफ्ट एंड टॉयज जो कि भारत में चीन के खिलौने काफी आज के चीन के सिर्फ खिलौने नहीं, चीन ने अलग अलग आइटम्स हमारे भारत में पहुंचा दिए हैं जो कि उसकी छाप पड़ चुकी है और वो भी सस्ती आइटम्स, इसलिए चीन ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर काफी कब्जा कर भी रखा है। अभी कपड़े देखें, सिले सिलाए कपड़े अब मार्केट में आराम से आसानी से मिल जाते हैं। पहले कितनी दिक्कत होती थी कि पहले के सालों में कि सिले सिलाए बच्चों के कपड़े नहीं मिलते थे, अब हजारों तरीके की किस्मों के कपड़े आपको आराम से मिल जाएंगे और इनका मूल्य भी कम होता है और ये विकासशील देशों में व्यापार करने के लिए ये काफी आसान किस्म के हैं। अब हम जानते हैं वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, जैसे भारत में फोर्ड मोटर का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता बल्कि यह अन्य विकासशील देशों के कारों और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्माण करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं के बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में कि एक व्यक्ति विश्व ग्लोब को वैश्वीकरण में मजा ले रहा है उसको उठा के, और ध्यान रहे दूसरी तरफ आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक छोटी लड़की समझा रही है कि उतना ही विकास हो जितना लाभदायक हो। अब इस चित्र में आप देखेंगे कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण कौन से है। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही वीक होते थे, पहले बैलगाड़ी थी, फिर धीरे धीरे रेलगाड़ी आई, फिर जहाज आए, फिर हवाई जहाज आए। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए वैश्वीकरण बहुत ही आसानी से एक दूसरे से जगह हम कर सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं के परिवहन ये कंटेनर के माध्यम से। अब देखेंगे दूसरा वैश्वीकरण को अच्छा करने का माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम आज बैठकर विश्व की कोई भी जगह हम देख सकते हैं, किसी भी जगह को जानना हो तो हम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से वैश्वीकरण के संचार प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर कर सकते हैं। यही एक तरह से दुनिया हमारी मुट्ठी में है, क्योंकि अगर हमें किसी भी देश को किसी भी चीज को जानना हो तो इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं।
अब अगले चित्र में इसमें देखिए वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन में पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका की पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दी जाती है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइन दूर संचार सुविधाओं के उपयोग करके लंदन कार्यालय में भेज दिया जाता है। यानी कि डिजाइन कहां ही बन रहा है और जो उसकी रूपरेखा है वो कहीं और तैयार हो रही है। यानी कि विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और आपस में ही सिमटा हुआ है विश्व। अब हम देखेंगे कि विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण का वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों की आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन पर उन्हें कर देना होगा और कर के कारण खरीदारों की आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। तो ये इससे पैसे से रिलेटेड भी है ये सब चीजें। आगे अगर हम देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उदय 1995 में हुआ। उससे पहले ये GATT यानी कि गेट के नाम से जाना जाता था। और विश्व व्यापार संगठन पूरे विश्व में जो व्यापार करते हैं उनका एक सामूहिक उत्तरदायित्व निभाता है ताकि सभी देश आसानी से व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरे विश्व के व्यापार संगठन की भूमिका निभाता है। यानी कि WTO, जैसे UNO है वैसे ही WTO है व्यापार के लिए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? विगत 20 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसके लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों में स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कॉम्पिटिशन बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नए आ गए हैं, जो चीजें पहले नहीं होती थी उसमें अब बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण भारत भी आगे बढ़ रहा है। अब विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। विदेशी निवेश क्या है? यानी कि FDI, जो भी भारत में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है उसे FDI यानी कि इंग्लिश में विदेशी निवेश हिंदी में कहा जाता है। यानी कि आप इस क्षेत्र में इतना पैसा लगाइए और भारत को भी हिस्सेदारी में रखिए और जो भी संसाधन इस्तेमाल करने हैं वो भारत के इस्तेमाल कीजिए ताकि भारतीय लोगों को भी इससे लाभ हो सके, भारतीय मजदूरों को भी इससे लाभ हो सके और नई नौकरियां निकलें। अब बढ़ती प्रतियोगिता, छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। जब तक कंपटीशन नहीं करेंगे या कंपटीशन में नहीं रहेंगे ये छोटे प्रतिस्पर्धक, तो तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि एक व्यक्ति कोई किसी की एक कंपनी कोई एक टूथपेस्ट बना रही है तो उसमें आप देखते हैं कि काफी कॉम्पिटिशन हो गया है, बहुत से लोग उसी कंपनी की तरह अलग अलग टूथपेस्ट बनाने लग रहे हैं, तो ये कंपटीशन ही हो चुका है। अगर कंपटीशन बनाए रखोगे तभी आप बच पाओगे, वरना कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, कभी कभार प्रतिस्पर्धा है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका लाभ जनता तक तो मिलता है लेकिन जो बनाने वाली कंपनी है उसको नहीं ढंग से मिल पाता, उसकी जो अर्निंग है वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि उसको अपने इम्प्लॉयज को भी पैसा देना पड़ता है। वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के दबाव में श्रमिकों के जीवन को भी दांव में लगाना पड़ता है, कंपनी कट करती है उनका अमाउंट। अब न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या संघर्ष है? उपयुक्त प्रमाण में ये संकेत देते कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसर का सर्वोत्तम उपयोग किया है, दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है? वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ को सबके बेहतर जिम्मेदारी हो। अब हम इसमें देखेंगे कि नियो लिबरलिज्म यानी कि लिबरलिज्म यानी कि जो अमेरिका में उभरा। अब ये नियो लिबरलिज्म क्या है? ये उसी का ही तरह एक नया रूप है। कुछ लोग वैश्वीकरण की बुराई करते हैं क्योंकि इसके आने से बहुत सी नौकरियां कम भी हुई हैं। और अब इसका हम सारांश देखते हैं कि इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह आधिकारिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों।
परिणाम स्वरूप उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण के व्यापार और निवेश के को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती प्रौद्योगिकी के कारण छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन आंसर। वैश्वीकरण आधुनिक समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। विश्व की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए एप्पल नाम की कंपनी का उदाहरण लेते हैं। यह अमेरिका की कंपनी है। एप्पल के मोबाइल फोन के पार्ट्स चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से बनते हैं। उनके बाद एप्पल के फोन दुनिया के हर देशों में बेचे जाते हैं। इससे पता चलता है कि उत्पादन एक जगह नहीं हो रहा, अलग अलग जगह हो रहा है और उसके बाद ये पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। वैश्वीकरण का विकास। व्यापार ने प्राचीन काल से ही दुनिया के विभिन्न देशों को जोड़ने का काम किया है। आपने सिल्क रूट के नाम से पहले भी सुना होगा। चीन का रेशम जिस रास्ते से अरब और फिर पश्चिम देशों और अन्य देशों में जाता था उसको सिल्क रूट कहते थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण में तेजी आ गई है। इसके बाद शुरू में एशिया में कच्चे माल का निर्यात होता था और यूरोप में उत्पादन का आयात भी होता था। 19वीं शताब्दी के मध्य में स्थिति बदलने लगी। 20वीं सदी के मध्य के बाद कई कंपनियों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपने पैर पसारने शुरू किए। वैश्वीकरण के कारण खर्च कम करने की आवश्यकता है, नए बाजार की तलाश है। वैश्वीकरण क्या चाहते हैं कि खर्च कम किया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए और नए बाजारों की तलाश की जाए ताकि हर ग्राहक को वह सामान पहुंचाया जा सके और कम खर्च में कम लागत में वो सामान बनाया जा सके ताकि उनके मुनाफा हो और लागत भी बढ़ जाए। वैश्वीकरण के कारक। 1980-90 के दशक तक अधिकांश देश अपने बाजार को विश्व के बाजार से अलग थलग रखना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था कि ताकि स्थानीय उद्योग धंधों को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए भारी आयात शुल्क लगाया जाता था ताकि आयातित सामान महंगे हो जाएं। इस तरह की नीतियों को ट्रेड बैरियर कहते थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस नीति को हटाने की कोशिश की। भारत सरकार ने 1991 में उदारवादी नीतियों की शुरुआत की। उसके बाद से भारत में भी वैश्वीकरण का दौर शुरू हो गया। वैश्वीकरण के परिणाम। रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन शैली में बदलाव। लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि वैश्वीकरण के कारण कंप्यूटर भी आया। कंप्यूटर के कारण हाथ से काम करने वाले या हाथ से चीजें वो कम हुई हैं। उसके कारण रोजगार में भी कमी आई है क्योंकि अब एक कंप्यूटर ही 10 बंदों का काम कर लेता है। वैश्वीकरण के कारण इसलिए बहुत सी नौकरियां कम भी हुई हैं और बहुत से रोजगार बढ़े भी हैं। इसके दोनों परिणाम हम देख सकते हैं। अब देखते हैं अगले में विकास के असमान लाभ। वैश्वीकरण से आर्थिक असमानता भी तेजी से बढ़ी है। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाले व्यक्ति लाखों रुपए का वेतन लेता है और वहीं दूसरी ओर दिहाड़ी मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिल पाती। विकसित देशों द्वारा गलत तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है, उनको ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने किसानों को भारी अनुदान देते हैं। विकासशील देशों को इसके बदले कुछ भी नहीं हासिल होता। वैश्वीकरण आधुनिक युग की ऐसी वास्तविकता है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। वैश्वीकरण से यदि फायदा है तो नुकसान भी है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये आप जान ही चुके होंगे कि आधुनिक काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से जुड़ी हुई है, चाहे ट्रेड के माध्यम से, चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम से या ग्लोबलाइजेशन इसे कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण इसमें लिया गया है। हेडक्वार्टर अमेरिका में है और कंपनी सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट्स भारत, दक्षिण एशिया से मंगाती है। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पे अवरोधक लगाने के कारण क्या थे? क्वेश्चंस आप नोट करें, ध्यान रखें, लिखें। तीसरा प्रश्न है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनी को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनी को श्रमिक की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। फिर कोई भी कंपनी श्रमिकों की मौसमी मांग के हिसाब से नियोजन कर सकती है या उन्हें काम से हटा सकती है। कम मांग की स्थिति में किसी भी कंपनी को अतिरिक्त श्रमिकों को ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे कंपनी के मुनाफे में भी सुधार होगा। अगला प्रश्न है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? एमएनसी कंपनी के बारे में प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, विकसित देश विकासशील देशों में उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में क्या मांग चाहिए? और वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। यह हम जान ही चुके हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव हर जगह अलग अलग है। मजदूरों पर इसका अलग प्रभाव पड़ता है और जो उच्च वर्ग के लोग हैं इस पर उनका अलग प्रभाव पड़ता है।
अब आगे हम देखते हैं कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचती है। व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण में वैश्वीकरण प्रक्रिया बहुत सहायक है। भारत में विदेशी निवेश में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपना उत्पादन शुरू किया है और आगे भी बढ़ी हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, यहाँ दिए गए उदाहरण में भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हम इसमें देख सकते हैं कि अमेरिका का उदाहरण दिया गया है। विदेश व्यापार से विश्व के विभिन्न बाजार आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे उनका एकीकरण होता है। इसे समझने के लिए मोबाइल फोन का उदाहरण लेते हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली मुख्य कंपनियां अमेरिका और यूरोप में हैं। इन देशों में उत्पाद का डिजाइन तैयार होता है। मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स पूर्वी एशियाई देश मलेशिया, चीन और ताइवान में बनते हैं और उन्हें चीन या भारत में असेंबल किया जाता है और फिर अंतिम उत्पाद को पूरी दुनिया में बेचा जाता है। यह उदाहरण विश्व के कई बाजारों में एकीकरण को दर्शाता है। वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? और मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं कि एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश में विकास की क्षति पहुंचाई है और दूसरा कह रहा है वैश्वीकरण ने भारत के विकास की सहायता की है। आप दोनों पर अपनी चर्चा कीजिए, लिखिए। और मान लीजिए कि आप दो लोगों के तर्क करते हुए ये पाते हैं कि कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश में विकास किया है, उसके ऊपर ये लिखेंगे कि मुझे लगता है कि वैश्वीकरण में से भारत के विकास में मदद मिली है। मेरे माता पिता बताते हैं कि मेरे जन्म से पहले टेलीफोन एक विलासित की वस्तु हुआ करती थी। टेलीफोन कनेक्शन के लिए लोगों को वर्षों इंतजार करना पड़ता था। लोग एक दूसरे के हाल चाल पूछने के लिए चिट्ठियां प्रदान करते थे, लेकिन अब ये आसान हो गया है। मेरे मोहल्ले में सब्जी वाला भी मोबाइल फोन की मदद से अधिक बिजनेस कर सकता है। रिक्त स्थान भरिए। दो दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं से अधिक विकल्प है। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजार में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही है क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद है, जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते मांग के कारण है। अब इसमें मिलान करेंगे। ए का बी के साथ, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसके साथ? कपड़े, जूते, चप्पल, खेल के सामान। दो का ई के साथ, यानी कि व्यापार अवरोधक, आयात पर कर व्यापार अवरोधक है। तो विदेशी का डी के साथ, यानी कि टाटा मोटर। आईटी में सेवाओं का सी के साथ, यानी कि कॉल सेंटर। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उत्पादन के लिए निवेश किया है। ए के साथ, यानी कि मोटर गाड़ियों के साथ। इस तरह हमारा मिलान खत्म होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें, वैश्वीकरण ने विगत दो दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है देशों के बीच वस्तुएं और निवेशों और लोगों का आवागमन। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? स्थानीय कंपनी को खरीद लेना या स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना? स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये बार बार आ रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सिल्क रूट क्या है? चीन की रेशम जिस रास्ते से अरब और फिर पश्चिम देशों और अन्य देशों में जाता था, वो सिल्क रूट है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई कंपनी अपने उत्पाद दुनिया के अलग अलग देशों में क्यों बनाती है? वैश्वीकरण ने किस तरह रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद की है? यह अभी हमने पहले भी चर्चा किया है। हर कंपनी इस बात को पूरी कोशिश कर रही है कि उत्पादन की लागत को कम किया जा सके, इसलिए जहां उन्हें लगेगा कि लेबर कम है तो वहां वह अपने उत्पाद को बढ़ाएगी, और जहां उन्हें लगेगा कि लेबर ज्यादा है तो वहां से अपने उत्पाद हटाएगी। इस तरह की प्रतिक्रिया वो करते रहेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न में कि वैश्वीकरण से हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का प्रभाव लोगों की जीवन शैली पर भी पड़ा है। 1990 से पहले तक लोग दो जोड़ी पैंट शर्ट से गुजारा कर लेते थे। अब तो लोगों के पास हर मौके के लिए अलग अलग ड्रेस होते हैं। पहले जीन्स की पैंट बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, अब अधिकांश लोग जीन्स की पैंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। लोगों का खान पान भी बदल गया है। अब मैगी की नूडल्स इस तरह खरीद जाते हैं जैसे महीने का राशन खरीदा जाता है। तो इस तरह ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। इस सीरीज के अगले चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे जल्दी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।